दोस्तों, आज के टाइम पर भी आप भारत के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो पब्लिकली पूरी तरह से नंगे रहते हैं, यानी जिनकी बॉडी पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं होता है। हैरानी की बात तो ये है कि इस तरह के लोग आपको किसी खुफिया या छुपी हुई जगह पर नहीं बल्कि खुली जगहों पर मिलेंगे। कभी आप इन्हें किसी प्रोग्राम में देखेंगे, तो कभी सड़क पर, इवन कभी तो ये लोग किसी मेन स्ट्रीम चैनल पर भी देखने को मिल जाते हैं। और ऐसे करते हुए ये लोग न किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस करते हैं और न ही कोई उन्हें ऐसा करने से रोकता टोकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसा वो लोग अपने धर्म को फॉलो करने के लिए कर रहे होते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हर प्रकार के लोगों को उनके धर्म को पूरी तरह से फॉलो करने की इजाजत देता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जैन धर्म की, जिसके कुछ अनुयायी पूरी तरह से नग्न रहते हैं तो कुछ अपने पूरे जीवन भर सिर्फ सफेद कपड़ा पहनकर ही रहते हैं। तो आखिर क्यों ये लोग इस तरह से अपने धर्म का प्रचार करते हैं, इनके धर्म में क्यों ऐसा करने को कहा गया है? जैन धर्म के और भी रहस्यों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैन धर्म की स्थापना कब और किसने की? जैन धर्म भारत के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत किसने और कब की थी, इस बात को लेकर कई किंवदंतियां हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार वर्तमान में प्रचलित जैन धर्म भगवान आदिनाथ के समय से प्रचलन में आया। यहीं से तीर्थंकर परंपरा प्रारंभ हुई, जिसके बाद 24 तीर्थंकर आए, जिनमें से सबसे आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर या वर्धमान को माना जाता है, जिनका जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम से भी 600 साल पूर्व। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को पूजा जाता है और इन्हें ही श्रेष्ठ 24 गुरुओं, मार्गदर्शक या भगवान तुल्य बताया जाता है, जैसे सिख धर्म में 10 गुरुओं का जिक्र मिलता है, ठीक उसी तरह। तो तीर्थंकर क्या होते हैं? जैन धर्म में तीर्थंकर उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जो आपको संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वही तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर वह व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त की हो। इन्हीं 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव जी, जिनकी तपस्थली प्रयागराज के झूंसी शहर में है। यह नेशनल हाईवे 2 अंदावा पर मौजूद है, जो कि वाराणसी प्रयागराज रोड पर है। तो आइए आज आपको ऋषभदेव जी की तपस्थली का वर्चुअल टूर भी कराते हैं और उसी के साथ यहाँ की अन्य जानकारियाँ भी आपको देंगे। भगवान ऋषभदेव के कई अन्य नाम भी हैं। इन्हें ऋषभनाथ, वृषभनाथ, नाभिया, आदि पुरुष, आदि ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य नामों से जाना जाता है। ऋषभनाथ का जन्म भारत के पावन शहर अयोध्या की भूमि पर हुआ था। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार किसी भी तीर्थंकर का जन्म उसकी माता को शुभ स्वप्न आने से होता है। इसी कारण आदिनाथ जी की माता को भी उनके जन्म से पहले 14 शुभ स्वप्न आए थे, उसके पश्चात ही उनका जन्म हुआ था। इस जगह पर आपको भगवान ऋषभनाथ की 15 फीट की ऊंची मेटल की बनी हुई मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि ध्यान लगाए हुए मुद्रा में मौजूद है। ठीक उसी के बगल एक और मंदिर नुमा आकृति है, जहां पर भगवान ऋषभनाथ की एक और मूर्ति है जो कि खड़ी हुई अवस्था में है। उनके हाथ में कमंडलू और पिच्छी दिखाई देता है। इस जगह को सबसे खूबसूरत बनाता है यहाँ पर मौजूद पर्वत नुमा आकृति, जिसे कैलाश पर्वत का नाम दिया जाता है। इस पूरे पर्वत पर 72 आर्टिस्टिक छोटे छोटे टेंपल बनाए गए हैं, जो कि त्रिकाल 24 को दिखाते हैं, यानी 24 तीर्थंकर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से। इसी के साथ इस टेंपल को एक गुफा नुमा आकृति के रूप में दिखाया गया है, जहां पर अंदर जाने पर आपको कमल रूपी खूबसूरत पेंटिंग देखने को मिलती है और इन पेंटिंगों में पूरे 24 तीर्थंकरों का जिक्र आपको इस मंदिर के छत पर देखने को मिलता है। हर पेंटिंग को 3 फीट का बनाया गया है और बड़े ही खूबसूरती और बारीकी से रंग बिरंगे रंगों से इन्हें सजाया गया है। इस मंदिर में भगवान ऋषभदेव का कीर्ति स्तंभ भी मौजूद है, जो इनकी लाइफ की स्टोरी और इनके प्रिंसिपल्स को दर्शाता है। इस मंदिर में आने की एंट्री बिल्कुल फ्री है, साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए फनी मिरर हाउस और एरावत हाथी की सवारी भी होती है, जिसमें मिरर हाउस की फीस मात्र 10 रुपये है और एरावत हाथी की सवारी की फीस 20 से 25 रुपये है। इसी के साथ इस मंदिर के बगल में एक कैंटीन की भी व्यवस्था की गई है, ताकि दूर से आए हुए श्रद्धालु जलपान कर सकें। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर जैन नग्न अवस्था में क्यों रहते हैं?
तो चलिए आपको इसकी भी जानकारी दिए देते हैं। दोस्तों, जैन के 24वें गुरु महावीर को सबसे ज्यादा प्रचलित माना जाता है, क्योंकि इतिहास में महावीर ने ही जैन धर्म के प्रचार और प्रसार में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। महावीर का जन्म एक रॉयल हिंदू फैमिली में हुआ था, लेकिन इन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर परिवार सब छोड़कर जंगल की ओर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। जब ये निकले तो इनके शरीर पर सिर्फ एक लंगोट थी, जो कि समय के साथ सड़ गल गई और ये तभी से पूर्ण रूप से नग्न रहने लगे। माना जाता है कि महावीर की इस हालत को देखकर लोग उन पर बहुत जुल्मो सितम किया करते थे। उनको गाली गलौज भी सुननी पड़ती थी और लोग उन पर पत्थर भी चलाते थे, लेकिन महावीर पर इन सब का कोई भी असर नहीं पड़ता था। लगभग 13 साल बाद उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने अपने आगे के पूरे जीवन जैन धर्म का प्रचार और प्रसार करने में ही लगाया। आपको बता दें कि इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत बड़े शासक अशोका द ग्रेट के ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी कुछ सालों में जैन धर्म को अपना लिया था, जिसके बाद जैन हिस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। उस वक्त भारत के नॉर्दर्न इलाके में सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से जैन धर्म की एक बहुत बड़ी टुकड़ी ने नॉर्थ से साउथ की ओर शिफ्ट होने का फैसला किया। आगे चलकर जो लोग साउथ शिफ्ट हो गए उन्हें ही बेसिकली दिगंबर जैन के नाम से जाना जाता है, और ऐसे ही लोग आपको नग्न अवस्था में देखने को मिलते हैं। इस ग्रुप का ये मानना है कि हम इस दुनिया में नंगे ही आए थे और नंगे ही जाएंगे, तो बेहतर यही है कि हम सारा जीवन उसी तरह रहें जैसा ईश्वर ने हमें भेजा है। इसी के साथ महावीर भी नग्न अवस्था में रहते थे, तो ये लोग भी महावीर को फॉलो करते हुए रहते हैं और दिगंबर बनकर रहते हैं। जबकि वहीं दूसरी ओर जो ग्रुप नॉर्थ में ही रह गया वो समय के साथ श्वेतांबर जैन कहलाए, और ऐसे लोगों को आप सफेद वस्त्र पहने हुए देख सकते हो। ये लोग अपने मुंह पर सफेद कपड़ा भी बांधते हैं, जिसका अर्थ ये है कि गलती से भी इनके मुंह में कोई कीड़ा या जीवित वस्तु ना जा पाए, ताकि भूल कर भी ये किसी को मारने का कारण ना बने। जैन धर्म में कई सारी और भी मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे कि यहाँ पर पेड़ को काटना भी एक पाप के तौर पर बताया गया है। साथ ही ये लोग किसी भी ऐसी वस्तु को नहीं खाते हैं जो कि जमीन के नीचे उगती है, इसीलिए जैन धर्म में प्याज लहसुन खाना सख्त मना है। इसी के साथ जमीन के नीचे उगने वाले और भी चीजों को खाना सख्त मना है, मगर ये ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जिसमें तैलीय गुण होते हैं, जैसे जमीन के नीचे उगने वाली मूंगफली, क्योंकि इनका मानना है कि जिस वस्तु में तैलीय गुण होते हैं यानी जिनसे तेल निकल सकता है उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं होते हैं। जैन धर्म में स्त्रियों का प्रवेश पार्श्वनाथ ने किया था, जो कि इनके 23वें गुरु थे। पार्श्वनाथ एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया था, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि पार्श्वनाथ को झारखंड में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो हमारे प्रयागराज में मौजूद इस मंदिर के दर्शन करने अगर आप आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी ही नई जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे जल्द एक नई वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।